दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लाइव पूरा फोटो में अपना अभी डिलीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैमरा का जो फोटो है, सारे फोटो को मैं डिलीट करके सारे फोटो को फिर रिकवर भी करूंगा। देख लीजिए, डिलीट सेलेक्ट ऑल कर दिया हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कैमरा का जो फोल्डर था पूरा फोटो ही डिलीट कर दिया हूँ, जिसमें 100 फोटो था लगभग। ठीक है, तो आपको अब फोटो में वापस ला कर दिखाऊंगा। आपका मोबाइल फोन से जो अभी आप फोन से वीडियो देख रहे हैं, उस फोन से जितना भी फोटो डिलीट हुआ होगा वह फोटो आपको वापस ला सकते हैं, फोटो और वीडियो। ठीक है, और दो तरीका बताने वाला हूँ। यदि MI का फोन होगा तो आपके फोन में इस ये वाला फोन जो अभी वीडियो देख रहे हैं, ये MI का फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो MI का फोन होगा तो आप इस तरीके से रिकवर कीजिएगा, और दूसरा कंपनी का फोन होगा जो दूसरा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप उस फोटो को रिकवर कर सकते हैं, वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको लाइव फोटो रिकवर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपने गैलरी से, देखिए गैलरी में जाता हूँ और कैमरा का जो फोल्डर था मैं आपको अभी डिलीट करके दिखाया हूँ। ठीक है, एल्बम में देख लीजिए, एल्बम में कैमरा का कहीं भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से डिलीट ही पूरा कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अब करना क्या है, आपको गैलरी खोलना है। गैलरी खोलने के बाद एल्बम पर क्लिक करना है। यदि आपके पास MI का यदि रेडमी का फोन होगा तो इस तरीके से एल्बम में आ जाना है। एल्बम में आने के बाद आपको सीधे यहाँ पर आना है। तो देखिए ट्रास्पिन ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जितना भी कैमरा का फोटो था यहाँ पर सारे फोटो यहाँ पर वापस यहाँ पर है। आपके मोबाइल में जितना भी फोटो डिलीट हुआ होगा आप यहाँ पर जाकर ट्रास्पिन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए डिलीटेड ट्रिम्स यानी डिलीटेड फोटो यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से आप फोटो को रिकवर भी कर सकता हूँ और डिलीटेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक बार क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक करूंगा तो ये फोटो मेरे गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए धीरे धीरे अभी जाएगा, क्योंकि 100 फोटो है और क्वालिटी फोटो है, ज्यादा MB का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रिकवर होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, अब जाता हूँ बैक। ठीक है, एल्बम में आया हूँ, तो एल्बम में देखिए एक बार रिप्रेस कर रहा हूँ तो कैमरा का ऑप्शन आ गया, 198 फोटो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कैमरा का ऑप्शन में देख लीजिए, अभी फोटो मतलब शो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी कैमरा का फोटो मैं डिलीट किया था वो फोल्डर आ चुका है, यानी 200 में 2 फोटो कम है। मैं आपको ऑल फोटो डिलीट करके दिखा देता बट यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरीके से किया हूँ। ठीक है, आपको एल्बम में जाना है, एल्बम में जाने के बाद नीचे आना है, चाहे कहीं भी आपको खोजना है ट्रांसफर पिन का ऑप्शन, वहां पर जाकर क्लिक करके यहाँ पर 30 दिन में जो भी फोटो होगा, वीडियो होगा, डिलीटेड हुआ आपका कैमरा से हुआ हो या स्क्रीनशॉट का या डाउनलोडेड फोटो, जो भी फोटो आपके मोबाइल फोन से डिलीट हुआ होगा यहाँ पर आपको शो करेगा। वहां से आपको क्लिक करके रीस्टोर पर क्लिक कर देना है, जिस फोटो को आपको रिकवर करना है। ठीक है, और सेलेक्ट ऑल करके वहां से भी रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर पर क्लियर नहीं करना है, क्लियर कर दीजिएगा तो फोटो यहाँ से रिकवर नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि आप जाकर सीधे प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर फोटो रिकवरी सर्च मारिए। ठीक है, आपको फोटो रिकवरी सर्च मारना है, फोटो रिकवरी एप्लीकेशन सर्च मारना है। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आएगा, कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस तरीके से आप फोटो रिकवर कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर एक डिजिटेकर आता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका क्वालिटी बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, आपका क्वालिटी घट जाता है, बट यहाँ से भी आप अपने फोटो को रिकवर कर सकते हैं। बट आपको मैं सबसे बात बोलूँ तो आप इसी तरीके से रिकवर कीजिए, गैलरी में जाकर खोजिए, आपका फोन कोई भी कंपनी का हो मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ट्रांसफर पिन का ऑप्शन खोजिए या तो डिलीटेड फोटो का, वहां पर आपको जो भी फोटो डिलीट हुआ होगा उस मोबाइल से 10 साल पुराना भी फोन होगा ना, और वो फोटो रिकवर मतलब वहां से क्लियर नहीं किया होगा डिलीटेड में से, ट्रांसफर पिन में से, तो आप उस फोटो को रिकवर कर सकते हैं, वीडियो को भी रिकवर कर सकते हैं। वहां पर आती है आपके फोन से, ठीक है, आपके फोन में वो वीडियो फोटो डिलीट हुआ होगा 10 साल पुराना भी, तो उस फोटो को आप रिकवर कर सकते हैं इन दो तरीका से। और यहाँ पर जाकर डिजिटेकर में या तो कोई भी इसमें से ऑल रिकवरी एक एप्लीकेशन आता है, तो यहाँ से भी आप जाकर फोटो रिकवरी कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी में मिलता है आपका फोटो, आपको मतलब धुंधला क्वालिटी का। ठीक है, तो पहला तरीका अप्लाइए, बहुत ही अच्छा फोटो रिकवरी होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं एंड कॉमेंट करके बताना कि आपका फोटो रिकवर हुआ या नहीं हुआ। हो गया होगा तो थैंक्स लिखकर कॉमेंट कर देना है।